नेक्स्ट आइटम होता है हमारा सीमेंट, इससे हम शुरू से ही परिचित हैं। तो जोसेफ एस्पडिन प्रिपेयर्ड, साइंटिस्ट का नाम जोसेफ एस्पडिन प्रिपेयर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नेम्ड इट एज पोर्टलेट सीमेंट। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया, पोर्टलेट सीमेंट। क्यों? बिकॉज व्हेन इट्स पेस्ट सेट्स, जब इसका पेस्ट को सेट किया जाता है पानी में मिला करके, इट रिसेंबल्स विद रॉक्स ऑफ पोर्टलैंड, जिसको इंग्लैंड भी बोला जाता था पहले, इन कलर एंड हार्डनेस। ठीक है, तो जब सीमेंट पानी में मिल जाता है तो वो कैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, दीवारों के ऊपर या ईंट के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि वो सेट हो जाता है। हालांकि बाद में उसके ऊपर पानी भी दिया जाता है। सीमेंट जिसे हम पोर्टलेट सीमेंट भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो देखते हैं हम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट। सीमेंट वी ऑल नो, सीमेंट एक क्या है, पोर्टलेट सीमेंट भी कहते हैं इसे, या पोर्टलेट सीमेंट जिसे इंग्लैंड भी कहते थे। अब इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज थे वो हम देखते हैं। तो पहला है लाइमस्टोन, इसमें लाइमस्टोन यूज होता है। क्यों यूज होता है, लाइमस्टोन टू प्रोवाइड CaO and SiO2। सीमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं कि सीमेंट के अंदर पानी मिलाएंगे तो एक हार्ड सा मटेरियल बना लेगा, जिसको हम फिर ब्रिक्स के ऊपर लगाते हैं, और फिर इसके बाद उसे काफ़ी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, अदरवाइज क्या होगा, उसके निकलने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इसके ऊपर पानी डे टू डे पानी डालना पड़ता है कुछ दिनों तक। ठीक, तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसमें पहला है लाइमस्टोन टू प्रोवाइड CaO and CO2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, वी ऑल नो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सीमेंट क्या होता है। सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, पोर्टलैंड जिसे पहले इंग्लैंड भी बोलते थे, वो होता है हमारा पोर्टलेट सीमेंट। अब इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, किस किस से मिलकर ये बनती है, तो ये है लाइमस्टोन टू प्रोवाइड, लाइमस्टोन यूज होता है, क्यों यूज होता है, टू प्रोवाइड CaO and SiO2। दूसरा क्ले, क्ले एक तरह से मिट्टी होती है, क्ले टू प्रोवाइड Al2O3 SiO2 and Fe2O3। थर्ड इसमें जिप्सम, जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपने नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो एक बहुत हार्ड सा बन जाता है उसी को बना होता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम बनता है, या हम कहें जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम 2-3% ऑफ द टोटल सीमेंट, टोटल सीमेंट में 2-3% हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। सीमेंट इज एक्चुअली, उसका जो कलर होता है कैसा होता है, फाइन ग्रे पाउडर एंड मिक्सचर ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3 एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज 2CaO.SiO2 मेनली, जिसमें मेन पार्ट होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सीमेंट इज ए कंसिस्ट ऑफ, जो मेन पार्ट है हमारे वो तीन है। ए पेस्ट विद वाटर सेट्स इनटू हार्ड मास, इस पाउडर के अंदर अगर आपने पानी मिला दोगे, तो आपने बहुत सारे मकान बनते हुए देखे उस टाइम जो लेबर है वो क्या करती है, सीमेंट निकालती है, उसके अंदर पानी डालती है, और फिर उसका एक सॉल्यूशन बनाती है। सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, बिल्कुल हार्ड। कुछ देर तक तो आप उसे हिला सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आपने 2-3 घंटे उसे ऐसे ही छोड़ दिया पानी के साथ, तो एक हार्ड और हार्ड सा मटेरियल बना देगा। इसलिए उसे जैसे ही आपने सॉल्यूशन बनाया, उसके जस्ट बाद उसे दीवारों पर लगाना पड़ता है, ताकि वो हार्ड बने तो किसके ऊपर बने, दीवारों के ऊपर बने। ठीक है, ए पेस्ट विद वाटर सेट्स इनटू हार्ड मास SiO SiAl O SiO, चेन्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेरिलियम क्लोराइड, दिस इज BeCl2। ये क्या होता है, इट इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हिटिंग BeO विद चारकोल, और यू कैन से कोक, इन द एटमोस्फियर ऑफ Cl2 गैस। आप BeO की रिएक्शन चारकोल और Cl2 गैस से कराओगे 600 से 800 केल्विन के बीच में, तो मुझे क्या ऑप्टेन हो जाएगा, BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। Be जो सॉलिड स्टेट में होगा, मतलब सॉलिड फेज में, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और वेपर फेज में ये एक डाइमर बनाएगा और साथ में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डाइमर बनाने का मतलब ब्रिज वाली फॉर्म। तो आप देख सकते हो sp2 को बनाने का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2
तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 hybridization, और यहां पर sp3 hybridization है, sp3 hybridization का मतलब चार सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन चार, यानी कि चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब कौन सा hybridization हो गया, sp3 hybridization। और वेपर फेज में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी, और सॉलिड फॉर्म में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी। सॉलिड फॉर्म में इसके चार बॉन्ड बनेंगे और वेपर फेज में इसके तीन बॉन्ड बनेंगे, तो इसको ध्यान रखना। BeO plus C plus Cl2 gives, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या आएगा, BeCl2, मेन प्रोडक्ट है अपना BeCl2। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, हमारी बॉडी में ये हमारी लाइफ में सोडियम और पोटेशियम की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट अबाउट 70 केजी वेट कंटेन्स 90 ग्राम सोडियम, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट अबाउट 70 केजी वेट उसको कितना चाहिए, 90 ग्राम सोडियम चाहिए और 170 ग्राम कितना चाहिए इसे पोटेशियम चाहिए। Na plus इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल एंड वर्क्स आउटसाइड इट, व्हाइल Na plus इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल एंड वर्क्स आउटसाइड इट while K plus move inside the cell, यानी Na plus बाहरी तौर पे काम करेगा और K plus moves inside the cell, this ion transfer called sodium pump, ध्यान रखना इसी को हम कहते हैं sodium pump, this ion transfer is called sodium pump, और what is the main function of sodium ion, तो उसको देखना, Na plus is mainly responsible for the transmission of nerve signal, किसके लिए, हमारे जो nerve signal है उनके transmission के लिए कौन responsible है, sodium ion, and blood pressure, एंड ऑल्सो ब्लड प्रेशर। के प्लस आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मेनी एंजाइम्स आयन के प्लस आयन जो है एक्टिवेट करता है हमारे बहुत सारे एंजाइम्स को, क्यों, ताकि हमारे ग्लूकोज का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सके, जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए भी जरूरी है। तो इसमें मेन चीज जो है हमारी ये है कि Na प्लस का क्या वर्क है हमारी बॉडी में, इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल और ब्लड प्रेशर के लिए, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। और K प्लस क्या है, एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन ग्लूकोज इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान देना कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखते हैं प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल सही है, प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम को अगर लिक्विड अमोनिया में मिलाओगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट चाहिए। NaOH रिएक्ट विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, क्योंकि ग्लास भी बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, सिलिकेट ही होता है, उसमें सिलिका होता है, तो NaOH रिएक्ट विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, दिस ऑल्सो राइट। नेक्स्ट देखते हैं या डी देखते हैं, Na सोडियम बाई कार्बोनेट ऑन बींग हिटिंग गिव्स Na2CO3, NaCO3 का आप हिट करोगे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH टू गिव AlOH3, नहीं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है, दिस इज व्हाट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ध्यान देना, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH इंक्लूडिंग विद वाटर, तो हमें मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। AIPMT 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप टू में जाएंगे, ध्यान देना ग्रुप टू एस ब्लॉक में, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इंक्रीज करेगी उनके एटॉमिक नंबर के साथ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट इन वाटर बिल्कुल भी नहीं, ये एटॉमिक नंबर के साथ बिल्कुल इंक्रीज नहीं करती। आयोनेशन एनर्जी तो अलग ही चीज़ है, आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी गैसियस एटम नीचे बैठा हुआ है उसको ऊपर वाली स्टेट में हमें भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो किसमें चला जाएगा, Na प्लस में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल तो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करते, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं,
ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होती है, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो। हमारे पीरियड टेबल में दो चीज होती है, एक होता है ग्रुप टॉप टू बॉटम और एक होता है पीरियड्स लेफ्ट टू राइट। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, बी केयरफुल।